प्रिय विद्यार्थी, पीटीटी बीएड ने अपर मोमेंट की जगह अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नए नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत से विद्यार्थियों के बहुत से सवाल थे कि मैं अपनी कॉलेज मुझे मिल चुकी है, अपर मोमेंट के लिए ऑप्शन मिलेगा या नहीं, मैंने फीस जमा कर दी, मैंने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, अब मैं अपर मोमेंट कर सकता हूँ या नहीं, और मैंने कॉलेज मिली थी बट मैंने 22,000 का चालान नहीं कटवाया और अब मैं दोबारा काउंसलिंग में शामिल हो सकता हूँ या नहीं। इस प्रकार के बहुत से सवाल विद्यार्थियों के द्वारा मेरे से पूछे गए थे, मेरे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उस पर भी पूछे गए थे और अभी भी काफ़ी विद्यार्थी मुझे कॉल करके पूछते हैं कि ऐसा विकल्प क्या मुझे हमें मिलेगा, क्या हम ऐसा कर पाएंगे। तमाम विद्यार्थियों के लिए अब एक नया नोटिफिकेशन जारी हो गया वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा। अपर मोमेंट की जगह अब की बार कुछ नया शेड्यूल बनाया गया है। नया शेड्यूल क्या रहेगा, कौन से विद्यार्थी क्या कर पाएंगे, इस प्रकार की तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैंने जो जानकारी आप लोगों को बताई है क्या आप लोगों को समझ में आई या नहीं। चलिए हम सबसे पहला सवाल यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है और इसमें क्या लिखा है। जिस अभ्यर्थी ने शुल्क 22,000 रुपये जमा कर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर दिया एवं आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को पुणे कॉलेज च्वाइस ऑनलाइन विकल्प में शुल्क 1,000 भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई नवीन च्वाइस फिलिंग विकल्प में यदि कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट यथावत लोक व आरक्षित रहेगी। पहला पॉइंट उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी 22,000 रुपये का चालान कटवा के अपनी कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कर चुके हैं और रिपोर्टिंग करने के बाद उनको अपनी अन्य कॉलेज यानी अपनी दूसरी च्वाइस यानी अपर मोमेंट के माध्यम से अगर उनको 3 नंबर कॉलेज मिली है और वो 2 नंबर कॉलेज या 1 नंबर कॉलेज के लिए चयन करना चाहते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को सबसे पहले 1,000 रुपये का शुल्क पे करना होगा और 1,000 रुपये का शुल्क पे करने के बाद उनको दोबारा से कॉलेज च्वाइस करनी है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, इससे पहले अपर मोमेंट होता था जिसमें कोई कॉलेज च्वाइस नहीं की जाती थी, अब आपको 1,000 रुपये का चालान कटवाकर दोबारा कॉलेज च्वाइस करनी है यानी दोबारा आपको काउंसलिंग में शामिल होना होगा। अगर आपने 22,000 रुपये का चालान कटवा लिया, कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, रिपोर्टिंग करने के बाद आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, ऐसे में आप दोबारा से 1,000 रुपये पे करके अपनी दोबारा कॉलेज अपनी च्वाइस की कॉलेज है वो अपडेट करके दोबारा से काउंसलिंग में शामिल हो जाएं। 28 तारीख से लेकर और 29 तारीख तक यानी 28 और 29 दो दिन का अवसर आप लोगों को दिया जाएगा। दो दिन के अंदर आपको ये चयन प्रक्रिया कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपको 5 तारीख को कॉलेज आवंटित हो जाएगी। अगर आपके मेरिट के मुताबिक आपको दूसरी च्वाइस कॉलेज मिलती है तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। अगर आपकी मेरिट के मुताबिक आपको कॉलेज च्वाइस नहीं मिलती है जो आपने च्वाइस की थी, ऐसे में अगर आप उस तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको पूर्व में जो कॉलेज दी गई थी यानी जिस कॉलेज में आप अभी रिपोर्टिंग करवाए हुए हैं, जिसमें अभी भी आपका एडमिशन है, वही कॉलेज आपको वापस मिल जाएगी। विद्यार्थी इस बात को दोबारा से समझ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना ताकि आप और कोई ऐसा उल्टा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको कोई चीज की परेशानी हो जाए। ये उन विद्यार्थियों के लिए जानकारी है जो विद्यार्थी पहले से कॉलेज मिल चुकी है, रिपोर्टिंग करा चुके हैं और 22,000 रुपए का चालान कटाकर जो कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ये विकल्प 28 और 29 को 2 दिन के लिए दिया गया है। नंबर 2, जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ है किंतु शुल्क 22,000 रुपए की जमा नहीं करवाई। काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी अपर मोमेंट का ऑप्शन चालू नहीं होने की वजह से उनको उनकी पसंदीदा कॉलेज नहीं मिली। ऐसे विद्यार्थियों ने 22,000 रुपए का चालान भी नहीं कटाया। काफी विद्यार्थियों को कॉलेज मिल चुकी थी लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी कॉलेज में 22,000 रुपए का चालान पे नहीं किया और उस कॉलेज में अपना एडमिशन कन्फर्म नहीं करवाया।
ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 22,000 रुपए का चालान नहीं कटवाया है, 5,000 रुपए का ही चालान कटवाया था, 22,000 रुपए का चालान कटवाकर कॉलेज की काउंसलिंग कंफर्म कंप्लीट नहीं की, ऐसे विद्यार्थी 1,000 रुपए पे करके दोबारा से काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी एक बार मैं फिर से नोटिफिकेशन में लिखी हुई आपको पढ़कर सुना देता हूं, उसके बाद आपको मैं विस्तार से बता देता हूं। जिस अभ्यर्थी ने पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ, यानी पहले राउंड में जिनको महाविद्यालय मिल चुका था, किंतु शुल्क 22,000 जमा नहीं किया, चालान नहीं कटवाया 22,000 रुपए का, या शुल्क जमा कराने के उपरांत महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं की, काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 22,000 का चालान भी कटवा दिया लेकिन कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, नहीं गए वो कॉलेज में, उनको पसंद नहीं थी, उस कॉलेज में नहीं जाना है, आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो विद्यार्थी पुनः कॉलेज चॉइस के ऑनलाइन विकल्प पर 1,000 रुपए का चालान पे करके वो दोबारा से काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, दोबारा अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको क्लियर है तो एक बार फिर से मैं अपनी भाषा में इसको संशोधित करके बता देता हूं कि अगर किसी विद्यार्थी ने 22,000 रुपए का चालान कटवाया है, कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, जिस विद्यार्थी ने 22,000 रुपए का चालान कटवाया भी नहीं और उसने रिपोर्टिंग भी नहीं की, ऐसे विद्यार्थी भी 1,000 रुपए का शुल्क जमा करके दोबारा दूसरी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। दोबारा आपको सिर्फ वही कॉलेज डालनी है जो कॉलेज आप चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा बेकार की फालतू कॉलेज मत डालना, क्योंकि जहां आप जाना ही नहीं चाहते फिर वहां की कॉलेज च्वाइस करने से क्या फायदा आपको। तो आप वही कॉलेज च्वाइस कीजिए जो कॉलेज आप चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, जो अभ्यर्थी 5,000 रुपए का शुल्क, पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस जो आपने काउंसलिंग करवाई थी, शुल्क जमा करने के उपरांत कॉलेज च्वाइस भरी थी या नहीं भरी थी, परंतु उनको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, यदि चाहें तो पुनः कॉलेज च्वाइस के ऑनलाइन विकल्प में 1,000 रुपए की राशि पे करके, यानी दोबारा 1,000 रुपए का चालान कटवा के मेरिट के अनुसार सीट उपलब्ध होने पर विकल्प के अनुसार सीट आवंटित की जाएगी। काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी 5,000 रुपए का चालान तो कटवाया था, कॉलेज भी चॉइस की थी, लेकिन उनके चॉइस के मुताबिक उनको कॉलेज नहीं मिली, जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अप्लाई किए थे, जो भी उन्होंने प्रोसेस किया था, उनको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ। अगर वो विद्यार्थी दोबारा से दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो उनको 1,000 रुपए पे करने होंगे। 1,000 रुपए पे करने के बाद वो दोबारा काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे और काउंसलिंग में शामिल होकर दोबारा से अपनी कॉलेज च्वाइस कर पाएंगे, और दोबारा उनकी मेरिट के मुताबिक अगर उनको कोई भी कॉलेज आवंटित होती है तो दूसरे राउंड में उनको कॉलेज मिल जाएगी और वो 2 साल की बीएड को पूर्ण कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा वो 28 से और 29 दो ही दिन कर सकते हैं। ये अवसर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का दिया गया है, 28 तारीख और 29 तारीख। 2 दिन के अंदर कोई भी विद्यार्थी अगर ऐसा कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके बाद उनको अवसर नहीं दिया जाएगा। क्रम संख्या 1 से लेकर 3 तक जो मैंने जानकारी बताई थी, ये जानकारी का जो कॉलेज च्वाइस करेंगे आप, 1,000 रुपए पे करके आप कॉलेज च्वाइस करेंगे तो दोबारा से आपको कॉलेज आवंटन की जो तिथि है, दोबारा आप लोगों को जो कॉलेज मिल जाएगी उसकी तिथि है 5 अगस्त 2024। यानी आपने कुछ भी किया है, 5,000 रुपए के चालान में नए विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं काउंसलिंग में, 1,000 रुपए का पे करके 22,000 रुपए का चालान कटवाया था या 22,000 का चालान नहीं कटवाया, ऐसे विद्यार्थी जब काउंसलिंग करवा लेंगे 28 और 29 को काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे और करवा लेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को 5 तारीख को कॉलेज आवंटन हो जाएगी। ये आप लोगों को 5 तारीख को पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज च्वाइस के मुताबिक आपको कौन सी कॉलेज मिली है। क्रम संख्या 2 और 3 के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 22,000 रुपए का चालान ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने, जिन्होंने पूर्व में 22,000 रुपए जमा नहीं करवाए हैं, उनकी समावधि 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। जिन्होंने 22,000 रुपए का चालान कटवाया नहीं था वो दोबारा से 5 से लेकर 9 तारीख तक अपना 22,000 रुपए का चालान कटवाकर, यानी 5 तारीख को आपकी कॉलेज च्वाइस के मुताबिक आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो वो विद्यार्थी जो 22,000 रुपए का चालान दोबारा से कटवा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक
अपनी 22,000 रुपए की जो राशि दी हुई है उसमें उसके मुताबिक वो अपने कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग जो है वो कर सकते हैं। क्रम संख्या 3, 1 से लेकर 3 तक आवेदन करने वाले विद्यार्थी द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग, जिनको सारे विकल्प जो अलग अलग विकल्प मैंने आपको बताए हैं उनके बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का जो समय दिया जाता है वो 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक दिया जाता है। यानी 5 से लेकर 11 तारीख तक सभी विद्यार्थी अपना जो आपको कॉलेज जो मिली है उस कॉलेज में जाकर आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जिन्होंने 22,000 का चालान नहीं कटाया है उनको 22,000 का चालान कटाने के लिए मौका दिया जाएगा 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का। और जिन्होंने 22,000 का चालान पहले से कटा रखा है ऐसे विद्यार्थी जो है उनको जो सिर्फ महाविद्यालय आवंटित हो रहा है ऐसे विद्यार्थी 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तमाम राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं पीटीटी बीएड की, उन सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये ऐसी जानकारी है जिस जानकारी को पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सभी विद्यार्थी एक अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस वीडियो को पूरे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उन तक साझा और शेयर करेंगे ताकि सभी विद्यार्थी ऐसी उलझन में जो बैठे हैं जिनको नहीं पता है कि हमें क्या करना है उन विद्यार्थी तक ये जानकारी पहुंचे और वो विद्यार्थी इस काउंसलिंग में शामिल हो और काउंसलिंग में शामिल होकर अपनी 2 साल की जो बीएड करना चाहते हैं इसमें वो शामिल होकर वो अपना जो बीएड का जो चयन प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करें। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है वो काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि मैंने आप लोगों की इच्छा के मुताबिक जो मेरे से सवाल पूछे गए थे मैं उन्हीं सवालों के विहाप में ये वीडियो बनाया है। क्योंकि बार बार विद्यार्थियों की जानकारी, बार बार विद्यार्थी मुझे कॉल करके पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, उन पर ये स्पष्टीकरण हो रहा है कि शायद वो नोटिफिकेशन को पढ़कर नहीं समझ पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या जो कैसे इस प्रक्रिया से गुजरना है। तो मैंने उन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ साझा किया है जिससे आपके सवाल लोगों के पूरे जो आंसर हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने जो जानकारी आप लोगों को बताई और समझाई है जिसको समझने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को अगर कोई समस्या आ रही है, कोई विद्यार्थी अगर नहीं समझ पा रहा है या मैं समझाने में अगर सक्षम नहीं रहा, असक्षम हूँ, तो ऐसे में विद्यार्थी जो है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जानकारी ले सकता है, पूछ सकता है, मैं आप लोगों को कमेंट में जवाब दे दूंगा। वीडियो को शेयर करोगे और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। थैंक यू।